दोस्तों हमेशा मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर आप मेरे चैनल के वीडियोस को देखकर अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो आप ऐसा काम करो जिससे आप काफी अच्छा पैसा कमाओ, और मैं आपको ऐसी बातें बताऊं, ऐसे पर्सन से मिलाऊं और ऐसी मशीन के बारे में बताऊं जिसको लगाकर अगर अपना काम आप शुरू करते हो तो नुकसान होने का सवाल तो बिल्कुल हो ही नहीं, लेकिन आप प्रॉफिट बहुत अच्छा कमाओ। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने उस उम्र में, जिस उम्र में बच्चे किताब लेकर पढ़ते हैं, खेलते हैं, उस उम्र में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज हजारों लोगों को घर बैठे उनके व्यापार शुरू कराने में पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, सुनकर बिलीव नहीं होगा, भैया का उम्र मात्र 20 साल है और इस उम्र में आज इंडिया के हर कोने से लोग इनके साथ जुड़कर अपना व्यापार कर रहे हैं। इसीलिए मुझे भी लगा क्यों ना मैं भी इनसे आपको मिलवाऊं, और अगर अपना व्यापार आप घर बैठे शुरू करने की सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं भैया आपको मदद कर सके। तो भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं चाहूंगा अपना शुभ नाम आप बताओ। मेरा नाम हर्षप्रीत सिंह है। तो अभी वैसे आपका एज कितना है? मेरा 21। 21 मतलब एक साल ज्यादा। तो सवाल मेरा ये है कि इतने कम उम्र में आपको ये आइडिया क्यों आया कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूं? सर आजकल की देख ही रहे हो कितना कंपटीशन है और बेरोजगारी दिन बर दिन ही बढ़ी जा रही है। पॉपुलेशन इतनी होने के बावजूद बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि उसका कोई संभाल ही नहीं है। तो उसके बाद फिर नौकरी इतनी है ही नहीं, तो और नौकरी है तो फिर अपने मनपसंद उनको इतनी सैलरी नहीं मिल पाती जिनसे उनका गुजारा चले। फिर अपना बिजनेस ही बेस्ट बिजनेस है और डिमांड की आइटम है ये। तो भैया आप ये बताओ कि जिस तरीके से आपने कम उम्र में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, अगर कोई आज आपके साथ जुड़ता है, अपना व्यापार शुरू करता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि नुकसान होने का रिस्क उसको लेना पड़ेगा? नहीं, इसमें नुकसान होने का कोई भी रिस्क नहीं है। अच्छा, किस तरीके से? क्योंकि ये सारा रॉ मटेरियल जो इसका रॉ मटेरियल आता है वो आपका ईटिंग फूड्स वाला रॉ मटेरियल है, सारी ईटेबल्स आइटम रहती है, तो इसमें नुकसान होने का, और आजकल खाना खाने पीने का क्रेज ही बढ़ी जा रहा है। गाइस मैं आपको बताऊं, आज के इस वीडियो में आपको जिस बिजनेस के बारे में बताने जा रहा हूं, यहां पर ये एक फूड आइटम है और आपको पता है फूड इंडस्ट्री किस तरीके से आज ग्रो कर रही है। यहां पर मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, अगर इस व्यापार में आज आप आते हो तो माल बिकने की पूरी पूरी गारंटी इसलिए है क्योंकि हर जगह, आप चाहे गाँव में रहो चाहे शहर में, हर जगह आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। और अगर इस व्यापार में आज आप आते हो तो आपके आसपास में जितने भी दुकान वाले हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब के सब आपके पास ही खरीदने आएंगे। तो आप सोचो कि यहाँ पर कितनी बड़ी बात है, एक ऐसे बिजनेस में आप जाने वाले हो जहाँ पर पैसा आप काफी अच्छा कमाओगे। तो सर आप ये बताओ कि आज आप किस बिजनेस के बारे में हमें बता रहे हो? यह है नूडल्स मेकिंग मशीन, चौमिन बनाने का मशीन। अच्छा, चौमिन बनाने की मशीन का यह बिजनेस है, चौमिन बनाने का यह बिजनेस रहेगा। मेरा सवाल यह है कि यहाँ पर बात किया आपने चौमिन बनाने की मशीन, तो सबसे पहले तो लोगों के मन में एक डाउट होगा, यार ऑलरेडी आज कंपटीशन है, इस कंपटीशन में मैं अगर इस बिजनेस में आता हूँ तो मैं कैसे बहुत अच्छा पैसा कमाऊंगा? सर इसका एक प्रोसेस है, जैसे आप बाकी जगह सुनोगे या बाकी जगह किसी की भी वीडियोज वगैरह आप लोगों ने देखी भी होगी, आजकल यूट्यूब खोलो 10 वीडियोज आ जाती है सामने, तो सब तो ये बोलेंगे कि इधर उधर बेच लो, फड़ियों में बेच लो, राशन शॉप्स में बेच दो या जहाँ पे भी बेचो, तो वो प्रोडक्शन मिलेगी। प्रोडक्शन अब एक तो पर्टिकुलर रेट पे आता है, जिसका ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, जो बंदे जैसे कोई रेडी लगा रहा है वो पहले से रेडी लगा रहा है, हम उसके पास जाएंगे तो वो हमसे क्यों जुड़ेगा? बिल्कुल, उसका कारण होता है ना, क्यों जुड़ेगा? या तो हम उससे सस्ता रेट दें, अब सस्ता रेट अगर हम देंगे तो वो भी दे देगा जिससे वो पहले ले रहा है, क्योंकि हमें तो कोई सस्ता माल नहीं मिल रहा, ना हमें बिजली सस्ती आ रही है, ना हमें मैदा सस्ता आ रहा है, ना हमें पानी सस्ता आ रहा है, और सेम प्रोसीजर है। तो इसमें ना हमारे पास एक ट्रिक है, क्योंकि ये बेसिकली हमारी खुद की फैक्ट्री लगी हुई है, तो ये खुद की फैक्ट्री में एक ट्रिक है हमारे पास, उस ट्रिक को यूज करने से 1 किलो का मैदा 1 किलो 200 ग्राम निकलेगा। 1 किलो का मैदा, जैसे आप मैदा लो 1 किलो निकालो, 1 किलो का मैदा निकालो, चौमिन जब निकालोगे तो जब उसका वेट करोगे तो वो 1 किलो की चौमिन नहीं रहेगी, 1 किलो 200 ग्राम की चौमिन रहेगी। अच्छा, हाँ जी, तो ये 1 किलो 200 ग्राम की चौमिन जब रहेगी ना, तो मशीन की जो प्रोडक्शन है वो आपकी 1 घंटे में निकालेगी 100 किलो माल। 100 किलो के हिसाब से अगर आप 200 ग्राम करो तो 20 किलो माल फालतू है। बिल्कुल, तो 20 किलो का ये डायरेक्ट प्रॉफिट रहेगा। 20 किलो अगर आप रेट टू रेट पे भी बेचो, 50 रुपए का आपको आ रहा है तो 50 में ही बेच दो, तो 1000 रुपए घंटे का हिसाब से आपके 8-9 घंटे में 8-10 हजार रुपए आप कमा सको।
बिल्कुल। यहाँ पर गाइस आप खुद सोचो कि अगर ऑलरेडी आज इस मार्केट में कंपटीशन है, बाकी लोग तो कहीं ना कहीं अपना छोटा सा मार्जिन रखते होंगे ना, आप सपोज कर वो मार्जिन नहीं रखते हो, जिस रेट पर बनाते हो उसी रेट पर आप बेच देते हो, तब भी 20 किलो पर आपका डायरेक्ट मार्जिन है, वो आपका पैसा सेविंग में जाने वाला है, तो ऑटोमेटिकली कंपटीशन से बाहर निकल के आप कस्टमर को उस रेट पर प्रोवाइड करा पाओगे जिस रेट पर कोई दे नहीं सकता, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर आपके साथ जुड़ेगा, प्रोडक्शन उनकी राइज हो जाएगी। प्रोडक्शन जब आप सबसे सस्ता भेज रहे हो तो आपको प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा, बिल्कुल प्रोडक्शन राइज होगी तो उतना ही आपका मार्जिन भी राइज होगा, ठीक है, ये भी फर्क आ जाएगा। उसके बाद काफी इसमें और भी फर्क है, जैसे आगे हम किधर किधर बेचे या उधर उधर बेचे या अपना खोले, तो ये सारी चीजें इस पे बेटर रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी कंपनी आपको सिखाएगी कि कहाँ कहाँ बेचो, कैसे बेचो, कैसे क्या करो, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम गो थ्रू करवाएंगे। बिल्कुल सर, अभी जो आपने ट्रिक बताई मुझे कि 20% का इंक्रीमेंट होगा, तो कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे कि और भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। सर और भी कंपनी तो सिर्फ यही बोल सकती है, क्योंकि ये लॉजिक किसी को पता नहीं है, ये कोई भी और भी कंपनी ये बोल सकती है, जैसे इसमें पानी का वजन आ जाएगा या किसी भी चीज का आप वजन आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। अगर अगर हम उनको बोले ना कि आप बताओ, चलो पानी का वजन भी मान लो कोई कंपनी बताती है, तो भी ना ये जो नूडल्स है ना, नूडल्स आपका ड्राई चलता है मार्केट में, ड्राई चलता है तो पानी सारा उड़ जाएगा, बिल्कुल, तो इसमें आपका पानी का तो वजन आ ही नहीं सकता। और कोई बोले ना तो उनकी सिर्फ मान लो, अंत में वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जब ड्राई मांगेंगे तो पानी का वजन नहीं उड़ गया, तो पानी किस चाहिए का वजन है। तो मतलब ये ट्रिक बस आपके पास ही है, मार्केट सिर्फ हमारे पास ही है, ये ट्रिक और कोई बता ही नहीं पाएगा। किसी चीज को यूज करने से पानी का वजन अगर आता है ना, तो पानी का जब मैदा हमने मिक्स किया तो उसी में पानी डालेंगे, निकाल दिया तो तभी आ जाना चाहिए ना, तब नहीं आएगा, उसको भी एक चीज यूज करने के बाद आएगा। ओके, जैसे एक प्रोसेस है, वो क्या चीज यूज करना है या क्या डालना है या क्या पोर्शन में आपका वो रहेगा, ये डिस्क्रिप्शन हम आपको सारी चीजें दिखा देंगे, बता देंगे। तो भैया ये बताओ कि आप यहाँ पर किस किस मशीन का सेट दिखाने वाले हो? इसमें आपका जैसे मैंने बताया था, एक मिक्सर मशीन होती है मैदा को मिक्स करने की, जैसे आप ये देख सकते हो ये मिक्सर मशीन है, ये कितने केजी का? 30 केजी का, 30 केजी का इसमें मिक्सर होगा। और एक बार मिक्स होने में कितना टाइम लगता है इसमें? ये 30 किलो आपका 20 मिनट का, 25 मिनट के अराउंड होगा। अच्छा, और यहाँ पर बात 2 HP की मोटर, 2 HP की मोटर है। इसके साथ ये आपको मोटर मिलेगी साथ में। तो ये मोटर कौन सा रहता है? ये मोटर आपका वो क्रोम बुक कहते हैं, कॉपर वायरिंग में, कॉपर वायरिंग में रहती है। बाकी ये मशीन है, देख सकते हो बहुत शानदार। और आपका एक ये वाली जो मशीन, ये किस चीज की है? ये नूडल एक्सक्रूडर मशीन है, जिसके बीच में आपका नूडल कटेगा। अच्छा। ये नूडल एक्सक्रूडर मशीन रहेगी, ये इसके अंदर भी मोटर लगी हुएगी, ठीक है। हाँ, ये आपका घरेलू बिजली में चलेगी, ठीक है। ये आपका मशीन इसके साथ में प्रोजेक्ट में मिला, जो 45,000 की कह रहा था सिर्फ यही, तो आप इसी को यूज कर सकते हो। बाकी इसके अलावा एक स्टीमर आता है, इसके अलावा एक स्टीमर आएगा, एक ये आपका कटर आएगा जो आपका नूडल्स को कट करेगा। ओके जी। तो सर आप ये बताओ कि कोई अगर आज आपके साथ इस व्यापार में जुड़ता है, तो आप उनको मशीन कितने का प्रोवाइड कराते हैं वाली? मशीन का रेट हमारा 70,000 रुपए का रेट है। अच्छा। 70,000 में 3 से 4 आइटमों का प्रोजेक्ट रहता है, ये प्रोजेक्ट है जिसमें एक मैदा मिक्सर मशीन रहेगी, वो आपका 30 किलो का मिक्सर मशीन रहेगी, मोटर के साथ रहती है वो मशीन, ठीक है। एक साथ में आपको नूडल एक्सक्रूडर मशीन मिलेगी। अच्छा। जिससे आपका नूडल कट होगा, ठीक है, उस वो भी मोटर के साथ है, उसमें ये दोनों आपकी सिंगल फेस मोटर रहेगी, ठीक है, घरेलू बिजली की चलेगी, तो इसका मतलब ये आपकी बिजली बहुत ना के बराबर यूनिट रहेगी। साथ में आपको एक डाई कटर मिलेगा, जिससे जिस साइज का या जिससे आपका नूडल की शेप रहेगी, जैसे आप ये देख सकते हो ये डाई का कटर है हमारे पास, ठीक है, ये कटर रहेगा साथ में। एक आपको स्टीमर मशीन मिलेगी, जिससे आप मैदा को बॉयल या स्टीम कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजों का प्रोजेक्ट रहता है, ये सारी चीजों का प्रोजेक्ट आपका 70,000 रुपए का है। इनकेस बाय द वे किसी का बजट कम का है, जैसे कोई कहता है कि मैं 70 नहीं ले सकता, तो थोड़ी मेहनत रहती है, आप हमारे से 45,000 रुपए में एक नूडल कटर ले लो और एक्सक्रूडर मशीन ले लो, मोटर वोटर के साथ वाली, ठीक है। तो इसका आपका बजट खुद करना पड़ेगा, मिक्स खुद करना पड़ेगा, या फिर बॉयल को आपको जैसे भी वो आपको घर पे करना पड़ेगा किसी में भी करके, तो ये चीजों का प्रोजेक्ट है। ये अगर आप कम का भी यूज करोगे तो इससे आपको गो थ्रू हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 45,000 रुपए का एक्सक्रूडर मशीन की कीमत है, 45,000 लगा के भी आप ये एक शुरू कर सकते हो, ठीक है।
सर यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि अगर कोई आपसे मशीन लेता है और मान लो लेने के बाद कुछ खराबी निकल गई या कुछ और बात हो गई, तो आपके साइड से क्या सपोर्ट देखने को मिलेगा? सपोर्ट ये रहेगा कि आपको एक साल की मैन्युफैक्चरिंग की फॉल्ट की गारंटी देंगे। अच्छा ठीक है, बहुत बड़ी बात है गाइस। मैंने कोशिश करी है आपको कम समय में ज्यादा कुछ इनके जरिए बताने की। बाकी आप इस नंबर पर इनको कॉल कर सकते हैं, इनकी टीम आपको सारी बातें बताएगी। और हाँ, अगर आप यहाँ पर इस मशीन में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो तो मेरा पर्सनल सजेशन रिकमेंडेशन ये है, एक बार आओ इनसे मिलो। मिलने के बाद आपको पता चलेगा सर कितने अच्छे इंसान हैं, आप मशीन देख पाओगे। और सबसे बड़ी बात, व्यापार में भरोसा होता है वो आपको पता चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आज यूट्यूब के जरिए बहुत लोग फ्रॉड भी करते हैं। और आपके मन में एक सवाल जरूर होगा यार कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं पैसे दूँ और पैसे फंस जाए, उसके लिए यहाँ पर आओ, इनका काम देखो, तभी आपको यहाँ से सब कुछ पता चल पाएगा। सर बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, इतनी सारी बातें आपने बताई है। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक नहीं करा। बाकी आपसे मिलता हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।